भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की कथा अद्भुत, प्रेरणादायक और रोमांचक है। ये कहानी एक पुण्यात्मा राजा सत्यव्रत की है, जिनके जीवन में एक अद्वितीय चमत्कार हुआ। एक दिन सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अंजलि में जल लिया, एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी में छोड़ दिया, लेकिन मछली ने उनसे करुणा भरी विनती की, राजन, मुझे नदी के बड़े जीव खा जाएंगे, कृपया मेरी रक्षा करें। सत्यव्रत का हृदय दया और करुणा से भर गया और उन्होंने मछली को अपने कमंडलू में डाल लिया। रात भर में मछली इतनी बढ़ गई कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। सत्यव्रत ने मछली को मटके में डाला, लेकिन मछली ने वहाँ भी जगह कम पड़ने की शिकायत की। फिर सत्यव्रत ने उसे सरोवर में छोड़ा, लेकिन सरोवर भी मछली के विशालकाय आकार के लिए छोटा साबित हुआ। अंततः उन्होंने मछली को नदी में और फिर समुद्र में डाल दिया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से समुद्र भी मछली के लिए छोटा साबित हुआ। सत्यव्रत ने विस्मय और आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? मछली ने उत्तर दिया, राजन, मैं भगवान विष्णु हूँ। हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैल गया है। मैंने हयग्रीव को मारने और वेदों की रक्षा के लिए ये रूप धारण किया है। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को बताया कि 7 दिनों में प्रलय आएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। उन्होंने सत्यव्रत को एक नाव में सप्त ऋषियों के साथ बैठने और अनाजों व औषधियों के बीज रखने का निर्देश दिया। 7वें दिन प्रलय आया और सत्यव्रत ने भगवान के आदेशानुसार नाव में जगह ले ली। प्रलय का दृश्य भयावह था। समुद्र उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी और थोड़ी ही देर में संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई। प्रलय के सागर में नाव तैरने लगी। उस असीम जलराशि में केवल वह नाव ही दृष्टिगोचर हो रही थी। तभी भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुए। उनका रूप दिव्य और तेजस्वी था। सत्यव्रत और सप्त ऋषियों ने भगवान की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें आत्मज्ञान प्रदान किया, जिससे सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर भगवान मत्स्य ने हयग्रीव का वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया। उन्होंने वेदों को ब्रह्मा जी को पुनः सौंप दिया, जिससे ज्ञान और धर्म का प्रकाश पुनः जगत में फैल गया। इस प्रकार मत्स्य अवतार ने न केवल वेदों का उद्धार किया, बल्कि सत्यव्रत को जीवन मुक्त कर दिया। इस रोमांचक कथा में भगवान विष्णु की असीम कृपा, सत्यव्रत की अटूट भक्ति और धर्म की विजय का संदेश छिपा है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब भी अधर्म और अज्ञानता का अंधकार फैलता है, भगवान अवश्य किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं।